कर्नाटक के, उनको कुछ प्रॉब्लम आई और उन्होंने मुझे बुलाया। मैं रातों रात उनके पास गया और उनके पास जाने के बाद उनके उनकी जो भी समस्याएं थी उसने मुझे जो हो सका मैंने उनको किया। तो उन्होंने दूसरे अपने स्पेशल फ्लाइट में मुझे सिर्फ माइंड और पायलट था और एक आदमी था, मैं वहां से हैदराबाद स्पेशल विमान में आया। मुझे महालक्ष्मी की बात की बात करें, यानी उनको मेरे चलने पर वो किसी भी रूप में शक्ति के रूप में सिंह के रूप में वो मुझे भाग्य प्रदान करें। मैं भी आपसे कहता हूँ कभी जीवन में आपसे हो सका तो एक बार श्री लक्ष्मी की साधना विधि विधान के साथ आप आपके घर में करो, आपके घर में सात जन्मों तक लक्ष्मी बने रहेंगे। कष्ट आएंगे नहीं आएंगे वो बात अलग है, लेकिन आप दस लोगों को खाना खिलाने की शक्ति रखेंगे और आप भी खाने खाने के साथ सक्षमता के साथ जिएंगे। कभी आपके जीवन में इस चीज इस प्रकार दशमाओं विद्याओं के साथ ही नहीं हमारे साथ ये सारी चीजें जो हुई ये बहुत महानता के साथ हम इन महाविद्याओं को अगर महाभारत के या रामायण के साथ जोड़ते हैं तो हमें महाविद्याओं की क्या क्षमता है, क्या श्रेष्ठता है, ये हमें सब पता चलेगा कि इस विद्याओं को तब की ऋषि क्योंकि गुरुकुल में कृष्ण भी पढ़ने गए थे सांदीपनि वहां होने के बाद, रामचंद्र जी भी वैसे सुशांत जी के पास विद्या सीखने गए थे, सुशांत जी ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण को कला अति कला विद्या रामचंद्र जी से सिद्धेश्वरी विद्या कहा जाता है, और इसी सिद्धेश्वरी इसी महाशय पास में सिद्धेश्वरी विद्या कहा जाता है। तो ये सारी महाविद्याएं और ये सारी चीजें जो है हमें किसने सिखाई किसी ने बतानी, हम केवल रामायण पढ़ते चले। रामचंद्र जी लक्ष्मण ने सुधाता को मारा, रावण को मारा, कुंभकर्णों को मारा, ऐसी बातें हम सुनते हुए आगे जाने विधान ये नहीं विद्या कहाँ है, पहले विद्या कहाँ थी और हमारे में विद्या कहाँ से है इसका ज्ञान हमें होना जरूरी है। मैं इसलिए बता रहा था कि हमारे गुरु जी ने पहली बार जब दशमी विद्या कहा मैं तो हम तो हमारे बचपन मेरे आप लोग महान विद्वान होंगे लेकिन मैं मेरे बचपन में मेरे माता पिता से जानता हूँ कि महावीर देवता कोई देवता पहचान वाले थे तो गणपति गणेश जी थे, हनुमान जी थे हमारे घर के, नरसिंह भगवान जी या कहीं देवता रेणुका माता, ये चार पांच देवताओं के सिवा हमारे जो दशमा विद्या जो है मालूम ही नहीं थी दशमा विद्या क्या चीज है, लेकिन इसका ज्ञान प्रभु जी सदगुरुदेव जी ने दिया और महाविद्या के बारे में बताया और महाविद्या के बारे में बताने के बाद आज भी हम महाविद्या के बारे में यही धारणा करके चलते हैं, हाँ काली है चलो रखने शमशान में बैठे शिव जी के पांव रखी है और हम उसकी पूजा करें। काली पूजा करने वाली चीज है या महाविद्या है, सारा महाविद्या है या पूजा करने वाली चीज है, भुवनेश्वरी महाविद्या है या पूजा, इस बारे में हमें सोचना तब तक है कि हम एक बात कह रहे हैं कि आपने कभी सुना मथुरा में बलराम और कृष्ण थे जो कंस को मारा गया तो जरासंधारी सभी लोग जिनके पास बहुत विद्याएं थी उन सभी लोगों ने मथुरा को घेर लिया, मथुरा को घेर लिया और कहा कि कल सुबह पूरे मथुरा को विध्वंस कर लेंगे। बात जब कृष्ण को बता चली कृष्ण ने अपना मथुरा का दरवाजा बंद कर लिया और बलराम भैया से बैठकर बोलने लगे जी अपने दोनों के कारण सारी मथुरा की प्रजा मारी जाएगी, हमें उनको प्रजा को बताना है, हम दोनों को कुछ हुआ तो उसके बारे में मेरी चिंता नहीं है क्योंकि वो योग्य गुरु के शिष्य थे तो उसका किसी को दुख पहुंचाना उनकी इच्छा नहीं। तब कृष्ण और बलराम ने कहा फिर क्या करना है, उन्होंने कहा कि अपनी इस प्रजा को यहाँ से शिफ्ट करवा देंगे, शिफ्ट करवा देने के बाद युद्ध हम दोनों ही करेंगे उनके साथ, अपने प्रजा को किसी को अपने गायों को किसी को कुछ भी नुकसान ना हो अपना घरे अपने घरों को। बोले बलराम बोलते हैं कि क्या भैया तू कैसी बात कर रहे हैं, इन लोगों को सैनिकों के साथ बैठे हम जाएंगे यहाँ से, लोगों को लेकर क्या उठेंगे क्या हो सकता, किस तरह हो सकता है। तो कृष्ण भगवान ने हंसकर कहा मेरे पास एक विद्या है मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। और कृष्ण ने जो राक्षसों का शिल्पी था उसको याद किया, उसको बुलाया और कहा कि मेरे ये जो सारे जो मथुरा में लोग हैं वो इसी रात में कोई ऐसी जगह सुंदर नगर बसा दे जहाँ विवर जाकर शिफ्ट हो जाए। और मैंने कृष्ण की आज्ञा मानी और कृष्ण ने वहां से द्वारका बसाई और वो सब लोग मथुरा से द्वारका को शिफ्ट हो गए और ये
तो अब मैं ये पूछता हूँ कि ये कौन सी मीडिया है जो शासन करके नगरी एक गलत चीज दूसरी के लिए ये मीडिया कौन सी मीडिया है, किस मीडिया से ऐसा होता है? अगर वो होता तो हम जाके अगले काम बच्चे दूसरे नए बोला ने सिर्फ किसी से मेटल में दे लेकिन क्या ये मीडिया है? तो ये मीडिया है भविष्य की मीडिया को अगर हम सब बड़ी करने कर ली कर ली जाए तो हम हमारे भवन को कहाँ से भी कहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। भवन को ही पूरे विदेश राज्य में उठा लिया जाए कि हमारे में बता सकते हैं अटल मीडिया है। मीडिया का उपयोग किस तरह हो इसका ख्याल भी हमें होना चाहिए। इस तरह ये सारी चीजों से धर्म हमें जुड़ी हुई है और मेरा अब सबसे यही कहना है कि हम जिन मीडियाओं को हल्दी कुंकू चलाने वाले या फूल चलाने वाले मीडिया ना समझे उन मीडियाओं में बहुत गहरा तत्व है। उस तत्व को हम समझे तत्व को समझ कर हम चलते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं उस तत्व को जानने की केयर करते हैं। आज इसी उपलक्ष्य में गीता जयंती है। कहते हैं कि गीता के 5 श्लोक सुनने वाला कहने वाला भी बहुत मोक्षप्रद काम करता है और कृष्ण को याद करने वाला भी चाहिए। गीता को भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया था उस कृष्ण के उस गीता के 5 श्लोक मैं पढ़ता हूँ और मुझसे जितना भी हो सके आपको उसका अर्थ बता रहा हूँ। भूख लगी है मुझे पता है लेकिन 5 श्लोक पढ़ेगी जरूर। गीता के बारे में पहला श्लोक पढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि क्या श्रीमद् भगवद्गीता में भगवद्गीता हुई और कृष्ण इसको क्या कह रहे। तो भगवद्गीता का पहला श्लोक आता है धृतराष्ट्र होगा। धृतराष्ट्र कौन है? अंधा राजा है। अंधा अंधा है वो राजा, उसको कुछ नहीं पता। वह अपने एक मिलीमीटर को पूछ रहा है, एक अपने सैनिक को पूछ रहा है कि हे संजय सब लोग उत्साहित होकर जो काम कर रहे हैं माम का पांडव क्षेत्र मेरे लोग और पांडव क्यों मुकुर वसन क्या कर रहे हैं क्षेत्र में ये पूछ रहे हैं। कौन? धृतराष्ट्र अंधा राष्ट्र संजय से पूछ रहा है। क्या बात है? अब तो इस गीता के बारे में पहली बात सुना। तो धर्म क्षेत्र का मतलब होता है धर्म, कुरुक्षेत्र का मतलब कुरु का मतलब है कर्म, धर्म धर्म क्षेत्र में कर्म क्षेत्र करने वाले। कर्म क्षेत्र कौन है? यहाँ कौरव कर्म क्षेत्र कर्म को मानने वाले और धर्मराज धर्म क्षेत्र को मानने वाले। ये दोनों उत्साह के साथ जो इस युद्ध भूमि में आए हैं तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? कौन पूछ रहा है? अंधा व्यक्ति पूछ रहा है। दूसरी बात क्या है? दुष्ट पांडवान एकम व्युढं दुर्योधनस्तथा आचार्य वसुदेवस्य वसुनगम्य राजा वसुनमोग्रे। संजय कहता है कि मैं देख रहा हूँ पांडव भी आए हैं और दुर्योधन अपनी सेना को लेकर वो भी आए हैं, सब अपने आचार्यों को लेकर कि विरोध रचना में बैठे कि किस तरह युद्ध किया जाए, किस तरह युद्ध को रचा जाए। ये संजय महाराणा पूछ
रहा है, क्या भूल रहा है, धर्म और कर्म में झगड़ा हो रहा है, ये पीड़ा उसमें क्या हो रहा है, अज्ञानी न्यायवान व्यक्ति को बोल रहा है धर्म और कर्म के धर्म में क्या है, धर्म और कर्म से तेरे दोष है, सब जो पुरुष है वो तुम्हारे सब गुण है और पंच पांडव जो है जो तुम्हारे पक्ष के लिए आए, इन दोनों का युद्ध है और एक अज्ञानी ज्ञानवान व्यक्ति को पूछ रहा है। इस शरीर में इस अज्ञान सौ गुणों वाले अज्ञानी को पांच ज्ञानी वाले लोग इस तरह लिखते हैं, पांच ज्ञानी वाले जो लोग है वो धर्मवान है और कर्म करने वाले जो है वो लोग तो यहाँ गीता का उद्देश्य किसको किसको किया जा रहा है, एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्ति को कर्म और धर्म के युद्ध में कौन जीत रहा है, भगवान भीष्म अर्जुन कहते हैं कि जहाँ भीष्म और अर्जुन को स्मरण किया जाता है और उनको स्मरण करके कोई भी कार्य किया जाता है वहाँ ये ही ये प्राप्त है, कोई अपेक्ष या अपेय नहीं प्राप्त हो सकता। आज भी बहुत से शंकराचार्य आचार्यों के पास वो जब भी अपने आश्रम से अपने मठ से बाहर निकलते हैं इस मंत्र को जरूर बोलते हैं, ये तो योगेश्वर कृष्ण क्योंकि इसके तत्व को जानना बहुत जरूरी है। वैसे ही कृष्ण ने पूरा समझाने के बाद भी अर्जुन कोई शंका लेकर ना बैठे, इसलिए कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन अब सब कुछ छोड़ दे, सर्व धर्मान परित्यज्य जो हम एक शरण तू मेरी शरण आ जा, सर्व धर्मान को छोड़ दे, जब मेरी शरण आएगा तो मैं तुझे जी प्रदान ये लूंगा। जब तुम ये सारी चीजों को पशुपालकों को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते ना पुरुषों को जानते, कुछ नहीं जानते, कोई खिला देता है कोई खिला देता है पीछे हो सब करते, इस सब करते हुए भी अगर आप किसी ने ये कह दे कि हे प्रभु हे कृष्ण मंदिर जगत गुरु हे जगत गुरु मैं आपके जन्म में शरण आया हूँ, ये कुछ भी नहीं मालूम, मैं सारे धर्मों को छोड़ दिया हूँ, आपके शरण ही ये सब कुछ है और मैं आपके शरण में आया हूँ, तब भी आप उस मोक्ष को उस विजय को प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह श्रीमद् भगवद् गीता में 15वां अध्याय भी है, उसमें भी बहुत बार आपको मैं बताया कि उद्धव मूल का अच्छा काम है, सभी लोग इस बारे में चिंता करें ऐसा उसके पास जिन्हें नहीं लिखा
और आजकल भी बहुत सारे लोग हैं तुम्हारी गीता पर भाष्य करने वाले हैं, तो उनको बताओ वो भी उसके उसके बारे में वो बोलेंगे कि नहीं ब्रह्मांड में विष्णु रखा हुआ है, उसको देखने के लिए बहुत वेद चाहिए। लेकिन प्रभुजी जी कहते हैं ऐसा वृक्ष कहीं नहीं है, ये वृक्ष तो स्वयं नर है, नारायण तू ही है, तेरी शाखाएं ऊपर की तरफ है, तेरी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे है, यहाँ से सर को नीचे जाता है, ये वृक्ष को मूल में ఒక సెటిలైట్ ఒక ఇది అక్కడ